हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस क्लास ऑन इकोनॉमिक्स। माय नेम इज मिस्टर मयंक कापड़िया एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड व्हाट इज मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड इट इज अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट इज डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इंडिविजुअल डिमांड क्या है? वो क्वांटिटी है जो एक कंज्यूमर डिमांड करता है एक पर्टिकुलर प्राइस पे। सो अगर एक बोतल अगर एक कंज्यूमर डिमांड कर रहा है तो वो कितने प्राइस पे लेने के लिए रेडी है वो हम इंडिविजुअल डिमांड कह सकते हैं। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी दैट अ इंडिविजुअल कंज्यूमर इज प्रिपेयर्ड टू बाय एट अ वेरियस प्राइस ओवर अ गिवन प्रोडक्ट। इंडिविजुअल डिमांड क्या है, शेड्यूल क्या है? एक टैबुलर डेटा है जो हमें बताता है कि एक कंज्यूमर, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर कितने कमोडिटीज को अलग अलग प्राइस पे खरीदने के लिए रेडी है पर्टिकुलर। तो कैसे समझेंगे? वी कैन हेल्प विद द हेल्प ऑफ इंडिविजुअल। तो इन अबो टेबल वी कैन सी डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी एक्स purchased by an individual consumer at various prices। तो इस शेड्यूल में हम देख सकते हैं कि कमोडिटी एक्स के अलग अलग प्राइसेस पे क्वांटिटी कंज्यूमर अलग अलग खरीद रहा है। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट लेस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इज डिमांडेड एट अ राइजिंग प्राइस इन मोर कमोडिटी इज डिमांडेड एट फॉलिंग प्राइस। इस अगर टेबल को हम देखें तो हमें ये समझ में आता है कि जब कमोडिटी एक्स की कीमत 10 रुपए थी तो कंज्यूमर ने कितना क्वांटिटी डिमांड किया, 1। जैसे ही प्राइस कम होती जा रही है 8 to 6 to 4 द क्वांटिटी डिमांडेड बाय द कंज्यूमर वो बढ़ता जा रहा है, वो डिमांड ज्यादा कर रहा है 2 रुपए, फिर 2, 3, 4। और जैसे और प्राइस कम हो रही है सी फ्रॉम 4 to 2 द क्वांटिटी डिमांडेड बाय द कंज्यूमर इज राइजिंग। Now what this indicates, it indicates an inverse relationship between price and quantity demand। इस शेड्यूल को हम देखें तो हमें ये समझ में आता है कि कमोडिटी की प्राइस और उसके क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में एक ऑपोजिट यानी कि एक इनवर्स रिलेशनशिप है। जैसे ही कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है डिमांड कम हो जाती है, और जैसे ही कमोडिटी की प्राइस कम होती है कंज्यूमर्स और गुड्स को डिमांड करने लगते। अब हम इसको एक डिमांड कर्व के थ्रू समझेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द सेम कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। नाउ व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व? इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। जो हमने अभी टेबल सीखा, जो शेड्यूल को हमने डिस्कस किया कुछ मोमेंट्स पहले, उसी डेटा को लेकर हम एक कर्व ड्रॉ करेंगे जिससे हम और इजीली ये इनवर्स रिलेशनशिप को समझ सके जो कमोडिटी के प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर साथ है। सो दिस इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व। सी इफ यू कैन सी ऑन द एक्स एक्सिस यू विल फाइंड क्वांटिटी डिमांडेड दैट इज 1 quantity 2 3 4 5 6 7 इन किलोग्राम्स, एंड ऑन द वाई एक्सिस वर्टिकली यू विल सी द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सो यू कैन सी इफ यू प्लॉट डाउन ऑल द डेटा ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, फॉर एग्जाम्पल वेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी वॉज 10, द कंज्यूमर वॉज रेडी टू परचेस 1 unit ऑफ कमोडिटी एक्स। एज द प्राइस falls from 10 to 8, 6, 4 and 2, the quantity that a consumer is demanding starts increasing, like from 2 to 3 to 4 and 5. So if we add all the locus points of the tabular data, we will find a curve which we will call as DD, demand curve. If you see, the demand curve slopes downwards from left to right. अभी देखिए जैसे जैसे ही
प्राइस कम होती जा रही है कमोडिटी की, वैसे वैसे ही उसकी डिमांड क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। अब देखो, सबसे पहले अगर हम देखें सबसे ऊपर, जब प्राइस 10 रुपीज थी तो एक क्वांटिटी डिमांड किया, जब प्राइस कम हो गई 8 हो गई तो कमोडिटी क्वांटिटी बढ़ा दी कंज्यूमर ने। जैसे और प्राइस कम हो गई 8 to 6 हो गई तो वो 3 किलोग्राम क्वांटिटी डिमांड करने लगा। इसका मतलब ये होता है जैसे जैसे प्राइस कम होती है किसी कमोडिटी की, उसकी डिमांड बढ़ने लगती है। सो इंडिकेटिंग इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। तो उनको क्या समझ में आता है कि किसी भी कमोडिटी के प्राइस और उसके क्वांटिटी के डिमांड के का एक इनवर्स रिलेशन है, अपोजिट रिलेशन है। अगर एक बढ़ता है तो दूसरा घट जाता है, अगर एक कम हो जाता है तो दूसरा बढ़ जाता है। सो नाउ, अब तो अभी हमने क्या सीखा? हमने सीखा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट व्हाट इज मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड इज अ टोटल डिमांड फॉर अ कमोडिटी फ्रॉम ऑल द कंज्यूमर एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग गिवन पीरियड। मार्केट डिमांड क्या है? वो सभी कंज्यूमर, मार्केट के जितने भी कंज्यूमर हैं, उनकी एक कमोडिटी को लेकर जो डिमांड है एक पर्टिकुलर प्राइस पे, इसे एक पर्टिकुलर टाइम पे इसे मार्केट डिमांड कहा है। मार्केट डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी व्हिच ऑल कंज्यूमर्स आर प्रिपेयर्ड टू बाय एट अ वेरियस प्राइस ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है? एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है जो अलग अलग क्वांटिटी जो कंज्यूमर डिमांड करते हैं मार्केट में सारे, एक अलग अलग प्राइसेस पे एक पर्टिकुलर टाइम पे उसको दिखाता है। तो हाउ टू ऑब्टेन दैट? इट इज ऑब्टेन बाय हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ द डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर एट द वेरियस प्राइसेस। को कैसे ढूंढते हैं? एक पर्टिकुलर कमोडिटी की एक पर्टिकुलर प्राइस पे जितने भी कंज्यूमर अलग अलग क्वांटिटी डिमांड करते हैं, उन सभी की क्वांटिटी को अगर हम टोटल करें तो हमें मिल जाएगा मार्केट डिमांड उस पर्टिकुलर कमोडिटी का पर्टिकुलर प्राइस में। और ये डिमांड शेड्यूल भी क्या दिखाता है? मार्केट डिमांड शेड्यूल इट आल्सो इंडिकेट्स एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की तरह ये डिमांड शेड्यूल भी यही बताता है कि जैसे किसी कमोडिटी की प्राइस कम होती है, मार्केट्स के सभी कंज्यूमर्स की डिमांड उस कमोडिटी के लिए बढ़ जाती है, और जैसे ही पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड मार्केट में प्राइस मार्केट में बढ़ जाती है, वैसे ही सारे कंज्यूमर्स उस कमोडिटी को डिमांड कम कर देते हैं। सो ये है मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब आप देखिए कॉलम 1 में क्या दिया हुआ है? कमोडिटी के प्राइस को दिया हुआ है 10 रुपए, 8 रुपए, 6, 4 और 2। सेकेंड कॉलम में 3 सब कॉलम है, कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी एंड कंज्यूमर सी। क्योंकि ये एक मार्केट डिमांड शेड्यूल है तो एक से ज्यादा कंज्यूमर्स को हमने लिया है, यहाँ पे 3 कंज्यूमर को लिया है जो मार्केट को रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप पहले कंज्यूमर को देखिए, जब प्राइस 10 रुपए है, वो 5 कमोडिटी को 5 क्वांटिटी डिमांड कर रहा है। जैसे प्राइस कम होती जा रही 8, 6, 4, 2, कंज्यूमर ए की डिमांड बढ़ती जा रही है क्वांटिटी की 10, 15, 20, 25। अगेन आप देखो कंज्यूमर बी को, जब प्राइस 10 है, कंज्यूमर बी डिमांड कर रहा है 10 kg ऑफ कमोडिटी एक्स। जैसे ही प्राइस कम होती है 8, 6, 4, 2, कंज्यूमर बी की डिमांड 10 to 15, 20, 25, 30 हो रही है। यानी कि जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है, कंज्यूमर बी की डिमांड बढ़ रही है। सिमिलर फॉर कंज्यूमर सी ऑल्सो। नाउ वी हैव क्वांटिटीज डिमांडेड बाई डिफरेंट कंज्यूमर्स। वॉट वी हैव टू डू? वी हैव टू डू द समेशन। फॉर एग्जाम्पल, वेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज ₹10, कंज्यूमर्स ए विल आस्क फॉर 5 kg ऑफ कमोडिटी एक्स, कंज्यूमर बी विल 10 एंड कंज्यूमर सी विल बी 15। सो इफ वी एड 5 + 10 + 15, देन वी विल गेट 30 ऑन द कॉलम नंबर 3। सो दिस वी कैन सी एज मार्केट डिमांड। सो इफ यू सी दिस टेबल,
In the above table, you will see the different quantities of commodities X purchased by different consumers at various prices. It can be observed that the less quantity of commodity is demanded at a rising price and more quantity of demanded is at falling price. हम देख सकते हैं जैसे ही अब हम देखते हैं price of commodity को और market के demand को. देखिए जैसे प्राइस की एक्स एक्स कमोडिटी की प्राइस 10 थी, मार्केट डिमांड थी 30. जैसे ही प्रोड्यूसर ने प्राइस को कम किया, मार्केट डिमांड हो गई 45. और जैसे जैसे प्रोड्यूसर प्राइस को कम करता गया, वैसे वैसे मार्केट डिमांड 45 टू 60, 65 टू 75, 75 टू 90 हो गई. ये क्या दिखा रहा है? जैसे जैसे किसी कमोडिटी की प्राइस मार्केट में कम होने लगती है, वैसे वैसे ही उस कमोडिटी की मार्केट की डिमांड यानी कि सभी कंज्यूमर की डिमांड बढ़ने लगती है. ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड मार्केट डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी. सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा है मार्केट डिमांड शेड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को समझने के लिए. आने वाले समय में हम और ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. थैंक यू.